हाय फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? आपका अपना चैनल साहिल एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं क्लास टेंथ का वर्णिका, जिसका तीसरा पार्ट है माँ। इस कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, ईश्वर पेटलीकर की है। दूसरा क्वेश्चन है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4। इसका सही आंसर है सी नंबर 4, 2 बेटा और 2 बेटी थी उनको। तीसरा क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी? 2, 3, 4 और डी है आपका 1। तो इसका सही आंसर है बी 3, क्योंकि 4 संतान है तो मंगू जो है उसको छोड़ दिया जाता है तो 3 ही तो होगा। चौथा क्वेश्चन है, माँ कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लक्ष्मी, सीता, नगमा, मंगू। तो आपका सही आंसर है डी मंगू। पांचवा क्वेश्चन है, मंगू जन्म से ही थी पागल, गूंगी, अंधी, ए एवं बी, यानी पागल और गूंगी। तो इसका सही आंसर है डी पागल एवं गूंगी। छठा क्वेश्चन है, मंगू के कितने भाई थे? 2, 1, 3, 4। तो इसका सही आंसर है 2 भाई था उसका। कितने थे? 2। सातवां क्वेश्चन है, पराई माँ ही कान छेदती है, यह है आपका ऑप्शन है कहावत, मुहावरा, छंद, सोरठा। इसका सही आंसर है ए कहावत। आठवां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी? आपका ऑप्शन है ज्योतिषी, पंडित, विद्वान, वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर है ए ज्योतिषी। 9 नंबर का क्वेश्चन है, माँ के लिए कौन सा माह आराध्य देव बन गया था? माघ, अगहन, पौष, चैत। तो इसमें सही आंसर है बी अगहन, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था कि मंगू अगहन में ठीक हो जाएगी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 10वां नंबर, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? अदिति, कमू, रिया, कविता। तो इसका सही आंसर है कमू, 10वां का बी नंबर होगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, कन्या विद्यालय में पढ़ने वाली लड़की जो बाद में पागल हो गई उसका नाम क्या था? कुसुम, मीरा, मधु, सविता। तो इसका सही आंसर है ए कुसुम। 12वां नंबर क्वेश्चन है, माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है? कन्नड़, गुजराती, तमिल, उड़िया। यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। तो आपका सही आंसर है बी गुजराती। 13वां क्वेश्चन है, मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती थी? यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, गौशाला, पाठशाला, कारागार, छात्रावास। तो इसका सही आंसर है ए गौशाला। 14वां नंबर का क्वेश्चन है, ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार यानी लेखक हैं? यह क्वेश्चन 2019-20 में भी पूछा गया है, मलयालम, मराठी, गुजराती, भोजपुरी। तो इसका सही आंसर है
सी गुजराती। 15वां क्वेश्चन है, मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे? यह 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। गौशाला, पाठशाला, कारागार, अस्पताल। तो इसका सही आंसर है डी, अस्पताल। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।